हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 11 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की माय न्यूज़ की तरफ। देखो, आज हम न्यूज़ हैं वो एक तो 9 की कवर करने वाले हैं और 10 और 11 तीनों डे की न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि 9 को हमारी डिस्कशन है, सैटरडे को हमारी डिस्कशन नहीं हो पाई थी क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट बंद था, इस वजह से लेक्चर वगैरह हम प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो अब देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ आई है वह है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में। देखो, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट है वो जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, भाई किस तरीके से वो जस्टिस डिलीवर करते हैं लोगों को, हमारे देश की जनता को जस्टिस न्याय है वो किस तरीके से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इन कुछ पैरामीटर के आधार पर जस्टिस रिपोर्ट है वो जारी की गई है। मतलब कि पहली बार ये रिपोर्ट है वो जारी की गई है। 4 पैरामीटर के आधार पर इस रिपोर्ट को पब्लिश है वो किया जा रहा है। एक आप बोल सकते हो पैरामीटर, एक पिलर हुआ पुलिस, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा है प्रिजंस और चौथा है लीगल एड किस तरीके से दी जा रही है। इन 4 पिलर्स के बेसिस पे इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को तैयार है वो किया गया है। ये किसके द्वारा तैयार की गई है? यह रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है टाटा ट्रस्ट और इसके साथ और भी कोलेब्रेशन है, जैसे कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कैच, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, दक्ष, टीस प्रयास एंड विधि सेंटर एंड लीगल पॉलिसी। तो इस तरह से काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, मेनली टाटा ट्रस्ट है, इसके कोलेब्रेशन से हमारे देश में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट किस तरीके से जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं इसके लिए इन रिपोर्ट है वो जारी की गई है। देखो, ये जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019, इसमें महाराष्ट्र है उसको नंबर 1 रैंक प्राप्त हुई है। आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र ने जस्टिस डिलीवर सिस्टम में काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके बाद में सेकेंड रैंक रही है केरला की, थर्ड रैंक रही है यहाँ पे तमिलनाडु की। और अगर हम बात करें सबसे खराब परफॉर्मेंस की तो वो रही है यहाँ पे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की। इसी के साथ हम और कुछ फैक्ट की देखें, कुछ चैलेंजेस की हम अगर बात करें तो देखो 2 मेजर चैलेंजेस यहाँ पे सामने हैं। एक तो यह है कि इंडिया में जो जस्टिस सिस्टम है, यानी जो न्याय की प्रणाली है, इसमें अभी तक काफ़ी सारी पोस्टें हैं वैकेंट हैं। मतलब कि मैक्सिमम जो पोस्टें हैं कोर्टों में वो खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से जस्टिस डिलीवर में काफ़ी टाइम है वो लग जाता है। इसी के साथ ही दूसरा फैक्ट ये आ गया है कि इंडिया में जो प्रिजंस, यानी कि जो भी कैदी हैं, वो ओवरक्राउडेड हैं जेलों में, यानी कि जितनी कैपेसिटी है जेलों की उससे ज़्यादा कैदी जेलों में रह रहे हैं। और कमाल की बात क्या है, जितने कैदी जेल में रह रहे हैं ना, उनमें आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जो कि अभी अंडर ट्रायल में है, मतलब उन पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है, उनकी इंक्वायरी बाकी है, उन पर ट्रायल चलना भी बाकी है। यानी बस अभी तक तो 68% कैदी ऐसे हैं जेलों में जिनके ऊपर दोष साबित भी नहीं हुआ है, बस पुलिस जाँच करेगी तब पता चलेगा कि ये दोषी है या नहीं है, इससे पहले ही उनको जेल में रखा जा रहा है। तो ये इंडिया की काफ़ी आप बोल सकते हो कि जस्टिस सिस्टम के मामले में खराब हालत को दिखाता है। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में कुछ प्रयास करने की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है फेनी रिवर के बारे में। देखो, फेनी रिवर है उसको लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ विवाद था, अभी उस विवाद को सुलझा लिया गया है। तो पहली बात यह है कि फेनी रिवर है वो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को बनाती है कुछ हिस्से में। इसके साथ इसका जो ओरिजिन है फेनी रिवर का वो होता है साउथ त्रिपुरा, मतलब कि त्रिपुरा में जो साउथ त्रिपुरा वाला हिस्सा है वहाँ से इसका जन्म या ओरिजिन होता है। इसके बाद में ये रिवर है उस त्रिपुरा का एक टाउन है, जो गांव है जिसका नाम है सबरूम, उस टाउन से फ्लो होते हुए फिर आगे बांग्लादेश में एंटर करती है और उसके बाद में बिहार बंगाल में जाके गिर जाती है। विवाद क्या है? विवाद जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो फेनी रिवर है इसको लेके कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं किया गया है इंडिया और बांग्लादेश में, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट वो होता रहता है कि भाई कौन सा कितना पानी लेगा, स्टेट कौन सा कितना वगैरह लेगा। तो एक बार तो हम फेनी रिवर की लोकेशन को देखते हैं। देखो, यहाँ पे ही है आपको पता है त्रिपुरा, वो ये यहाँ पे दिख रहा होगा चौथा सेंसिटिव सा हिस्सा है, यह साउथ त्रिपुरा जो फेनी डिस्ट्रिक्ट है वो इस वाले हिस्से में ये रिवर फ्लो करती है यहाँ से बॉर्डर पे, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे। और ये यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी पानी की डिमांड रहती है त्रिपुरा के साउथर्न हिस्से में, क्योंकि त्रिपुरा का जो साउथर्न हिस्सा है ना, इस हिस्से में क्या है कि पानी में आयरन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन में जो पानी पाया जाता है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट है, मिला हुआ है, तो वो पानी पीने लायक नहीं होता है। तो इस वाले एरिया में जो लोग होते हैं उनको आप बोल सकते हो कि बाहर जो पानी होता है नदी वगैरह का, इसी पर डिपेंड है वो रहना होता है। तो अब न्यूज़ ये आई है कि गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है, या आप सेकेंड, हाँ अभी न्यूज़ ये आई है कि गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ कि भाई पानी का इतना हिस्सा वो इंडिया रखेगा, इतना हिस्सा है वो आप रखोगे। देखो, कितनी क्वांटिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है फेनी रिवर को लेके, उसका बेनिफिट होगा सबरूम टाउन को जो कि साउथर्न टिप में है त्रिपुरा के, यानी त्रिपुरा के सबसे साउथर्न हिस्से को हम बोले तो वह है सबरूम टाउन,
और वहां पे लोगों को पानी की सप्लाई है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, किसके थ्रू? फेनी रिवर के थ्रू। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सबरून टाउन है यहाँ पे ग्राउंड वाटर में काफी ज्यादा आयरन मिला हुआ है, तो इसकी वजह से वो पीने लायक पानी नहीं है। इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। देखो 2019 में बांग्लादेश और इंडिया के लेके ज्वाइंट रिवर कमीशन बैठा था ढाका में, और वहां पे इस चीज के ऊपर डिस्कशन या कोलेबोरेशन की गई कि भाई हम जो भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं हमारी इंपॉर्टेंट सात नदियां नॉर्दर्न ईस्ट के लिए उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी रिवर है? एक तो है मन्नू, दूसरी यहाँ पे मुहारी, तीसरी यहाँ पे कोवाई, चौथी है यहाँ पे गोमती, फिर यहाँ पे है धारला, फिर इसके बाद में है वह दूध कुमार, और इसके बाद में फेनी। तो इन रिवर को लेके एग्रीमेंट करने की बात थी, और फेनी रिवर को लेके एग्रीमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो वो इंडिया के लिए भी अच्छी बात है और बांग्लादेश के लिए भी अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो लोकेशन हमें ध्यान में रखनी है कि ये त्रिपुरा वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, और ये है यहाँ पे सबरून टाउन, तो इस वाले हिस्से बॉर्डर से फ्लो कर रही है, तो यहाँ के लोगों को पानी मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद में रिवर बांग्लादेश से फ्लो करती हुई आगे बे ऑफ बंगाल में जाके यहाँ पे आप देख सकते हो गिर जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है ब्रू ट्राइब को लेके। देखो ब्रू ट्राइब है, इसको रिंगस ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि रिंगस ट्राइब या ब्रू ट्राइब। इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्राइब है कहाँ की? तो ये ट्राइब है वो नॉर्थ ईस्ट के चार स्टेट में मेनली पाई जाती है, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर और मिजोरम। अगर देखो हम थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें तो आपको बताया कि नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट है इंडिया के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स हैं, और ये उन छोटे छोटे एरिया में जो ट्राइब्स ग्रुप हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, वो वहाँ पे बने हुए हैं। मतलब कि जो मेनली बड़े तौर पे अगर हम ट्राइब की बात करें तो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में ही पाई जाती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी बार इन ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है, जैसे कई बार हमने देखा है कि नागा ग्रुप्स है उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार वहाँ पे और भी छोटे छोटे ट्राइब्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये ट्राइब अभी न्यूज़ में आई है, यूपीएससी एक तो इसकी पूछ सकती है कि मतलब कौन से स्टेट वगैरह से बिलोंग कहाँ से ये करती है, तो त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम और मेनली मिजोरम वाले एरिया में ये पाई जाती है। त्रिपुरा में इस ट्राइबर को पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा है वो दिया गया है, मतलब कि काफ़ी सेंसिटिव इस ट्राइब को यहाँ पे माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि मिजोरम है वो ये कहता है कि भाई ये ट्राइब हमारी वहाँ की स्वदेशी नहीं है। मतलब मिजोरम ये बात बार बार कहता है कि जो ब्रू ट्राइब है वो मिजोरम की ट्राइब नहीं है, वो बाहर की ट्राइब है, और वो वहाँ के लोगों को परेशान करती है, वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज है वो करने की कोशिश करती है। देखो डिस्प्यूट अगर हम या इश्यू की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्यूट ये पहले से लेके यही है कि वो अपने स्टेट्स की मांग करते रहते हैं कि हमें ये एरिया चाहिए वगैरह, इस तरह की छोटी छोटी मांगें इनमें चलती रहती हैं। वैसे ये डिस्प्यूट है वो स्टार्ट हुआ था 1997 में, उस टाइम पे जो ब्रू पीपल्स थे वो मिजोरम में भी रहते थे और आसपास के अदर स्टेट में भी रहते थे। तो हुआ क्या कि मिजोरम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, मिजो फॉरेस्ट गार्ड थे कहाँ पे? डम्फा टाइगर रिजर्व। तो डम्फा टाइगर रिजर्व की लोकेशन कहाँ पे है? ऑब्वियसली मिजोरम में है। तो मिजोरम में जो डम्फा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे एक मिजो फॉरेस्ट गार्ड थे, उनकी हत्या कर दी गई थी ब्रूट कम्युनिटी का एक मिलिटेंट ग्रुप था, एक पर्सन था उसके थ्रू। अब वो हत्या कर दी गई तो आपको बताया कि मैटर समझ में आ गया कि मतलब ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, जिस तरीके से म्यांमार में जो रोहिंग्या वाला इशू हुआ था कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी के एक पर्सन ने या कम्युनिटी के कुछ लोगों ने आर्मी के कुछ जवानों को मार दिया, तो उसके बाद में आर्मी के जवानों ने रोहिंग्या कम्युनिटी को मारना शुरू कर दिया। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ कि जो ब्रू कम्युनिटी थी इसको मारना पीटना शुरू कर दिया और वहाँ से भगाना शुरू कर दिया मिजोरम से, और फिर ये सेटल हो गए कहाँ पे? त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में इनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो कैंप वगैरह होते हैं उनमें रखा गया गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे ऐसे कुछ मामला चल रहा था। खैर वो बैकग्राउंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। अभी न्यूज़ ये थी कि जो एक कम्युनिटी थी या जो ब्रू ट्राइब्स हैं इसने एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बैरियर क्रिएट कर दिया था रास्ते को लेके, वो इसीलिए कि भाई इनकी सर्विस वगैरह है, इनको खाने पीने की सप्लाई है वो बंद कर दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो अभी गवर्नमेंट ने सप्लाई को वापस बहाल कर दिया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, तो उसी को लेकर न्यूज़ आई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्रू ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे ये रिकॉग्नाइज की गई है और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप में शामिल है या नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो है काला पानी टेरेटरी के बारे में। देखो काला पानी टेरेटरी है वो इंडिया और नेपाल के बीच में एक विवाद का इशू है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फ्लिक्ट अभी अब क्रिएट हुआ है जब आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना के इंडिया ने अपना नया मैप है वो जारी किया। तो उस मैप में हुआ क्या कि जो ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला इस हिस्से को, एक सेकंड, हाँ ये जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, इस हिस्से को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के मैप में दिखा दिया। तो नेपाल का ये आरोप है कि देखो भाई ये हिस्सा डिस्प्यूटेड है और ये हमारा मतलब नेपाल का खुद का हिस्सा है, आप इसको इंडिया की टेरेटरी में कैसे दिखा सकते हो?
तो इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो गया। अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट की तो इसकी ओरिजिन है वो स्टार्ट होती है यहाँ पे काफ़ी पहले 1816 में। देखो 1816 में इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और नेपाल में नेपाल का ही राज था। तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई जो बॉर्डर है यहाँ पे, क्योंकि देखो इस वाले हिस्से में बॉर्डर बनाने की बात थी, तो ये बात की गई कि यहाँ पे काली रिवर फ्लो करती है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये काली रिवर, तो ये माना गया कि काली रिवर है वो बाउंड्री बनाएगी। मतलब काली रिवर की एक साइड का हिस्सा है नेपाल का रहेगा, एक साइड का हिस्सा है वो बांग्ला सॉरी इंडिया का है वो रहेगा। बट इश्यू क्या आया, देखो आपको पता है कि जैसे ये एक रिवर है, अब ऐसा तो नहीं कि रिवर एक सिंपल लाइन में होती है, इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, तो कई बार ओरिजिन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि ये रिवर थी और ये इससे काफ़ी सारी यहाँ पे रिवर आके मिल रही हैं इसमें। अब देखो इंडिया, ये इधर वाला हिस्सा ये मानो कि आप इंडिया है और इधर वाला हिस्सा वो है नेपाल का। अब हुआ क्या, इंडिया तो ये कहने लग गया कि देखो भाई ये जो काली रिवर है यहाँ से ओरिजिन हो रही है, और नेपाल क्या कहने लग गया कि भाई ये ओरिजिन हो रही है यहाँ से। अब देखो इंडिया के हिसाब से क्या होगा कि ये जो सारा हिस्सा इतना इतना आपको दिख रहा है ये यहाँ तक का, ये सारा इंडिया का होगा, और नेपाल के हिसाब से जो ओरिजिन है काली रिवर का वो है यहाँ से। इसका मतलब जो इतना इतना हिस्सा है ये सारा नेपाल का है, मतलब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये है काला पानी, और इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है इसी रीजन की वजह से कि जो काली रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से है ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, और इसी बात को लेकर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ था उस दौरान देखो नेपाल की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो तभी से हम बात करें तो जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है यानी ITBP है वो इस वाले हिस्से को पेट्रोलिंग है, मॉनिटर है वो करती रहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कैलाश मानसरोवर रूट है वो इसी रास्ते से होके जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कालापानी के थ्रू है वो कैलाश मानसरोवर रूट है वो जाता है, और हाइट कितनी है लगभग 3600 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। लोकेशन मैंने आपको बताई कि यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के यहाँ पे पिथौरा डिस्ट्रिक्ट जो पिथौरा का डिस्ट्रिक्ट है और उसमें यहाँ पे लोकेशन आती है इसकी कालापानी टेरिटरी की, तो ये UPSC पूछ सकती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में। देखो कुछ टाइम पहले जो केरला हाईकोर्ट है उसने डिसीजन दिया था कि जो राइट टू इंटरनेट है वो एक लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, या लोगों का एक आप बोल सकते हो मूलभूत अधिकार है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब केरला गवर्नमेंट है वो एक कैबिनेट है वो एक डिसीजन लेके आई है, एक प्रोजेक्ट लेके आई है जिसका नाम है फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट। यानी कि केरला के जितने भी लोग हैं, हम बात करें लगभग वहाँ पे 2 करोड़ फैमिलीज के आसपास फैमिली हैं, तो उन सभी को इंटरनेट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगी। जो गरीब लोग हैं उनको फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा और बाकी लोगों को कुछ चार्ज पे करके इंटरनेट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये टारगेट रखा गया है कि जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट है इसके तहत केरला गवर्नमेंट है वो 2020 के एंड तक केरला के जो सभी लोग हैं या आप सभी घरों को इंटरनेट एक्सेस है वो प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की बात है दिसंबर 2020 तक। जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरनेट एक्सेस है वो सिटीजन्स का राइट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की हाईकोर्ट का एक डिसीजन भी वर्डिक्ट भी आया था। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस एक तो ये होगा कि वहाँ पे जो IT सेक्टर है, जो IT इंडस्ट्री है, इसको लेके काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और भी जो स्टार्टअप्स हैं इनके लिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर केरला के हर घर में इंटरनेट होगा तो वहाँ से इस एरिया में बूस्ट है वो मिलेगा। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट एरिया के मैनेजमेंट में भी एक बूस्ट है, बेटर मैनेजमेंट, बेटर सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी होने वाले हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट है क्या। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि फ्री हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है वो प्रोवाइड करा जाएगा लगभग 2 मिलियन के आसपास फैमिलीज हैं केरला में, उनको जो BPL क्लास के लोग हैं उनको लगभग हम बात करें यहाँ पे फ्री हाई स्पीड दिया जाएगा, और बाकी लोगों के लिए चार्जेबल है वो यहाँ पे रहेगा। तो लगभग 20 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं BPL फैमिली जिनको फ्री में इंटरनेट एक्सेस है वो दी जाएगी। देखो एक कोलाबरेटिव इनिशिएटिव है जो कि स्टेट की जो पावर यूटिलिटी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यानी कि वहाँ की जो पावर यूटिलिटी केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला की जो स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उन दोनों के द्वारा इस कोलाबरेशन के थ्रू इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट है या अंजाम है वो दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि इसमें इंटरनेट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, और देखो जो और भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो इसे ज्वाइन कर सकती हैं। इसी के साथ ही जो केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो जो केबल के थ्रू TV का डाटा प्रोवाइड कराते हैं उसके साथ साथ वो इंटरनेट भी प्रोवाइड करा सकते हैं और अपनी अच्छी सर्विस को स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा सुदृढ़ है वो बना सकते हैं। इसी के साथ लगभग 23,000 के आसपास गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, स्कूल हैं, इनको भी हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है वो किया जाएगा,
ये कुछ टारगेट्स हैं वो रखे गए हैं केरला गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है टाइगर ट्रम्प के बारे में। देखो टाइगर जो ट्रम्प है वो एक एक्साइज है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक्साइज को कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब टाइगर ट्रम्प जो एक्साइज है वो पहली बार कंडक्ट की जाएगी किस किसके बीच में, इंडिया प्लस यूएसए। यह पहली एक एक्साइज है इंडिया और यूएसए के बीच में जो कि ट्राई सर्विसेज एमपीबीएस एक्साइज को अंजाम देने वाली है। मतलब ट्राई सर्विसेज का मतलब क्या होगा, जल थल वायु, यानी कि जो हम बात करें यहाँ पे हमारी नेवी मिलिट्री प्लस एयरफोर्स है, तीनों तरह की आर्मी इसमें शामिल होंगी और वो इसको अंजाम देने वाली हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में पहली बार इस तरह की एक्सरसाइज को कंडक्ट है वो क्या जा रहा है, एम्फीबियस का मतलब होता है, एम्फीबियस का है यहाँ पे मतलब उभयचर, यानी कि जल थल वायु तीनों तरह की एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट है वो की जा रही है। ये जो एक्सरसाइज का पहला एडिशन है वो इंडिया के अंदर विशाखापट्टनम में आयोजित है, वो क्या जाएगा, काकीनाडा कोस्ट के पास में आंध्र प्रदेश में है, जो कि लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काकीनाडा कोस्ट के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। चलो आप ये बताइए कि जो उत्कल कोस्ट है वो कहाँ पे है, उत्कल कोस्ट के बारे में आप बताइए कि उत्कल कोस्ट की लोकेशन कहाँ पर है। इसके साथ ही अगर हम और बात करें तो उसका बेनिफिट क्या होगा, देखो इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये है कि दोनों कंट्रीज हैं वो आपस में जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकती हैं, इसी के साथ ही आपस में जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है इसके बीच में कोलाब्रेशन बढ़ेगी और जो पर्सनल रिलेशनशिप है इनको स्ट्रॉन्ग है वो किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है साइक्लोन बुलबुल के बारे में। देखो ये जो साइक्लोन बुलबुल है यह अभी बे ऑफ बंगाल में आया था और इससे उड़ीसा और बांग्लादेश वाले हिस्से में काफी तबाही है वो भी मची है। तो पहली चीज तो ये कि आया कहाँ पे इसका नुकसान हुआ है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। देखो इस बार काफी सारे साइक्लोन आ रहे हैं, यानी हम बात करें कि जो हमारा इस बार का मानसून सीजन था इसमें जैसे एक साइक्लोन आया था पाबुक का आया था, जो कि इसके बाद में फेनी साइक्लोन आ गया था, इसके बाद में साइक्लोन वायु आया था, इसके बाद में साइक्लोन हीका आया था, इसके बाद में साइक्लोन कयार आया था, इसके बाद में साइक्लोन महा है वो आया था। तो इस तरीके से काफी सारे साइक्लोन हैं इस बार हमें देखने को मिले हैं, तकरीबन 7 के आसपास इस बार साइक्लोन इस सीजन में देखने को मिले हैं। देखो एक तो छोटी सी नजर आप ये मान लेना कि कौन सा कहाँ पे है, जैसे कि जो साइक्लोन पाबुक है वो कहाँ पे है, साउथ चाइना सी अंडमान वाले हिस्से में, मतलब कि बे ऑफ बंगाल वाले ओरिजिन की हम बात कर सकते हैं। साइक्लोन फेनी कहाँ पे है, वो भी बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन वायु यह है अरेबियन सी में, साइक्लोन हेका यह है अरेबियन सी में, साइक्लोन क्यार है यह अरेबियन सी में, और साइक्लोन महा है वह है अरेबियन सी में। मतलब इस बार जो अरेबियन सी में साइक्लोन है वो ज़्यादा देखे गए हैं। देखो मोस्टली होता क्या है कि जो अरेबियन सी है ना, जैसे ये हो गया हमारे इंडिया, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया अरेबियन सी, अरेबियन सी में साइक्लोन या अरब सागर में साइक्लोन कम आते हैं, बट इस बार हमें साइक्लोन की अगर हम बात करें इस साल के मद्देनजर तो ज़्यादा साइक्लोन अरेबियन सी में ही उत्पन्न है वो हुए हैं। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है कि साइक्लोन वगैरह कहाँ पे कौन कौन से नाम वगैरह। देखो अरेबियन सी में साइक्लोन कम आने का एक मेन रीजन ही होता है कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आते हैं वो कौन से आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, और अरेबियन में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि उनको जो सरफेस टेम्परेचर है वो लगभग 27 डिग्री या इससे ऊपर का चाहिए होता है, और हम सब जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है मतलब सी सरफेस का टेम्परेचर है वो अरेबियन सागर की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उधर उतनी ही ज़्यादा साइक्लोन है वो आएंगे। एक दो छोटे रीजन और भी होते हैं, जैसे कि इस साथ जो इस हिस्सा जो बात करें पैसिफिक ओशियन वाला इधर का हिस्सा होता है, यहाँ भी साइक्लोन आते हैं तो उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होता है लॉजिकल, वो ये है कि कोरेलिस फोर्स, कि जहाँ पे कोरेलिस फोर्स होता है और पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर होता है वहीं पर इस तरह के साइक्लोन है वो आते हैं। ये कुछ फैक्ट होते हैं जो कि हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में पहले भी कर पड़े हैं। इंपॉर्टेंट चीज, इस साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो साइक्लोन बुलबुल का नाम है वो पाकिस्तान के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट है वो किया गया था, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान तबाही है इसने पहुंचाई है उड़ीसा और बांग्लादेश वाले हिस्से में, हम बात करें बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हुआ है। ये थी देखो आज की हमारी न्यूज़। अब एक अनअकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि देखो अनअकेडमी पे काफ़ी सारी लाइव क्लासेज और ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो चले गए हैं, तो अगर आप कोई भी एग्जाम से रिलेटेड लाइव क्लासेज कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो देवेंद्र सिंह 27, इससे आपको वहाँ पे 10% डिस्काउंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और ज़्यादा वीडियो है वो बना पाऊँ। आप लोग पता नहीं लाइक वगैरह शेयर कमेंट वगैरह करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो, ताकि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाए, कोई भी तरह के क्वेश्चंस वगैरह हो
ताकि हम हमारी डिस्कशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो यहाँ पे बना सकें। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।